हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू एमआईक्यू। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 27 मई और 27 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हुनर हाट 2020 का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, इसकी थीम क्या है? तो हुनर हाट 2020 की थीम है लोकल टू ग्लोबल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हुनर हाट 2020 का आयोजन सितंबर 2020 में किया जाएगा। इसका उद्घाटन हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटर मिलान के पूर्व कोच गिगी सिमोनी का निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? तो गिगी सिमोनी एक फुटबॉल प्लेयर थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। गिगी सिमोनी अपने टाइम में एक बहुत ही प्रतिष्ठित फुटबॉल प्लेयर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार लाने के लिए समिति का गठन किया है? तो अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार लाने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बात स्वास्थ्य मंत्रालय की है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक दिल्ली। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने ब्रीथेबल नवरक्षक PPE किट विकसित की है? तो अभी भारतीय नौसेना ने ब्रीथेबल नवरक्षक PPE किट विकसित की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने सांस लेने में सक्षम एक पतले कपड़े से बनी हुई PPE किट विकसित की है जो हमारे शरीर की सुरक्षा तो करेगी, साथ में हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बात भारतीय नौसेना की है तो भारतीय नौसेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 को की गई थी। इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने खेलों के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी WHO ने खेलों के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए IOC के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, IOC की स्थापना सन 1894 में की गई थी। IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इसका हेडक्वार्टर लोसाने स्विट्जरलैंड में है। बात WHO की है तो WHO और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेलों को स्वास्थ्य में लाने के लिए इस समझौते में हस्ताक्षर किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो अभी जाह्नवी फूकन ने FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। यह हैं जाह्नवी फूकन और यही प्रेजेंट टाइम पे FLO की प्रेसिडेंट है। बात FLO की है तो FLO का फुल फॉर्म होता है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। बात फिक्की की है तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? तो अभी 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, थायराइड हमें एक गले की बीमारी है जो आयोडीन की कमी से हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अभी जस्टिस SK सीकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। भारतीय समाधान केंद्र को जस्टिस SK सीकरी के द्वारा दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। यह पूरी तरह से पेपरलेस होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर $179 अरब किया है? तो अभी चीन ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर $179 अरब किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। चीन ने लगभग भारत के रक्षा बजट से 3 गुने अपने रक्षा बजट को बढ़ा दिया है। बात चीन की है तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग और चीन की करेंसी है रेन मिनवी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो अभी राजस्थान ने सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा शुरू की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान के CM है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। दोस्तों, इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और पिछले वीडियो के क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताते हैं। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो अभी दोस्तों, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का
वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।